नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी डिफेंस शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में। तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। यह लड़ाकू विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया एक सीट और एक जेट वाला विमान है। यह अनेक भूमिकाओं को निभाने वाला एक सक्षम व हल्का युद्धपोत है। यह बिना पूछ वाला कंपाउंड डेल्टा पंख वाला विमान है। इसके प्रोजेक्ट को 1980 के दशक में शुरू किया गया था। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा। यह पुराने पड़ चुके MiG-21 और 27 का स्थान लेगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2001 में हुई थी। और वैसे आप देखें तो पिछली बार जब बहरीन एयर शो हुआ था तो तेजस को दिखाने की बात आई, तब पाक व चीन ने अपने थंडरबर्ड को प्रदर्शनी से हटा लिया था। तो तेजस एयरक्राफ्ट की सर्वाधिक गति 1.6 मैक मतलब आवाज से 1.6 गुना ज़्यादा है, 1300 किलोमीटर पर आवर। तेजस की जो कवरिंग रेंज है वो 2000 किलोमीटर है और इसका अधिकतम थ्रस्ट 9000 केजी एएफ है और इसकी जो वजन ले जाने की क्षमता है वो 10000 किलोग्राम है। इसमें कांच का कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मल्टीमोड रडार तथा कंपोजिट स्ट्रक्चर व फ्लाई वायर जैसे डिजिटल सिस्टम से लैस है। इस जेट पर 2 R-73 एयर टू एयर मिसाइल है और इस पर अस्त्र मिसाइल का भी प्रयोग किया जा सकता है। 1000 किलोग्राम के दो बम भी ले जा सकता है जिनकी मतलब वेट 1000 किलोग्राम है। तेजस को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है, तो इसको प्रोजेक्ट को विकसित करने में लगभग 10000 करोड़ की लागत आती है। यह पूरी तरह से भारतीय नहीं है क्योंकि इसका लड़ाकू विमान का जो इंजन है वो अमेरिकी है, रडार वेपन सिस्टम इजराइल का है और इजेक्शन सीट ब्रिटेन की है। इसमें भारत द्वारा निर्मित कार्बन फाइबर का उपयोग होता है जो उसकी बाहरी सतह के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से यह हल्का तथा धातु के मुकाबले बेहद मजबूत है। तेजस में फ्लाई वायर सिस्टम है जिसके जरिए विमान को उसके उड़ाने में कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित सिग्नल मिलते हैं। प्लेन में लगा सेंसर रडार पायलट को जेट्स या जमीन से हवा से जमीन में मार करने वाली और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में बताता है। यह सेंसर भी भारत में बना है। भारतीय वायुसेना ने इस तेजस मार्क 1A की डील को करीब 40,000 करोड़ में मंजूरी दे दी थी। तेजस एक फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है। यह अपने पीढ़ी के सभी लड़ाकू विमानों में सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। जून 2020 में तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में सम्मिलित कर लिया गया था और 2022 तक HAL ने कहा कि वह सभी 83 तेजस जो डील हुई थी वो सब डिलीवर कर देगी। आपको बता दें कि भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है लेकिन भारत के पास केवल 30 स्क्वाड्रन ही है। राफेल के भारत आने के बाद 2 स्क्वाड्रन और जुड़ जाएगी और एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 लड़ाकू विमान होते हैं। यदि भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।